हेलो एवरीवन, ये हमारी ज्योग्राफी की फोर्थ वीडियो है जो कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया से डील करेगी, और इसमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा जाएगा। बट उससे उस पर जाने से पहले आईसीएसई के जो एग्ज़ाम्स रह गए थे, फोर एग्ज़ाम्स, उनकी डेट शीट आ गई है। आपके एग्ज़ाम्स 2 जुलाई से स्टार्ट हैं। फर्स्ट ज्योग्राफी का है, इस तरीके से ये एग्ज़ाम्स की डेट शीट है। तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। नाउ अगेन कमिंग टू दिस पार्ट ओनली, सबसे पहले आपको एक इंडिया का मैप दिखाया गया है जिसमें एनुअल रेनफॉल यानी कि सालाना बारिश किस तरीके से होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको इंडियन मैप जो है पूरी तरीके से याद जब होगा तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें जो डार्क जोन है वो आपको रेनफॉल दिखाता है जिसमें बहुत ज़्यादा है, और जितना जितना लाइट होता जाता है उतना मतलब उतनी डिक्रीज हो रही है रेनफॉल। तो एक जस्ट अ व्यू है, अभी इसका क्या वर्क है, क्या क्यों आपको ये दिखाया गया है वो आपके समझने आ जाएगा। चलिए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया में ये टॉपिक्स कवर करे जाएंगे: इंट्रोडक्शन, वेरिएशन एंड कंट्रास्ट इन क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फोर सीजन्स, मॉनसून एंड मैकेनिज्म, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले आप ये समझें कि अर्थ का पैटर्न किस तरीके से है। ये हमारे पूरा ग्लोब का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये जो लाइन है वो इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल। इस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो डिवाइडेड है इमेजिनरी लाइंस में लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूड्स के थ्रू। तो इंडिया हमारा इस जगह पर आता है यानी कि इक्वेटर के ऊपर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसको कट करता है, और बाकी इंडिया ऊपर है यानी काफ़ी ज़्यादा पार्ट, आधा पार्ट तो लगभग लगभग इंडिया का इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, और बाकी पार्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। जान लेते हैं मौसम वर्ड का क्या मतलब है। मौसम वर्ड जो है एक मौसम अरबिक वर्ड से ड्राइव करा हुआ है जिसका मतलब होता है सीज़न। एक्चुअली काफ़ी सेंचुरीज पहले जब लोग अरेबियन सी में ट्रैवल करा करते थे तो उन्हें ये फील होता था कि 6 महीने तक तो साउथ वेस्ट, SW मतलब साउथ वेस्ट से विंड ब्लो करती हैं। देखिए, ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा साउथ था, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा ईस्ट, तो ये डायरेक्शन हमारा साउथ वेस्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ से ब्लो करती हैं, तो हमारी जितनी भी विंड्स थी वो 6 महीने तक तो यहाँ पे लोगों ने देखा कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आगे की तरफ जा रही हैं। और बाकी के 6 महीने क्या देखा, बाकी के 6 महीने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से विंड्स आ रही हैं, यानी विंड्स का रिवर्सल हो रहा है। पहले 6 महीने इधर जाती हैं, फिर 6 महीने वापस आती हैं। तो ये जो विंड्स हैं जो जा रही हैं रेड कलर में आपको दिख रही हैं, इसको कहा गया साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और जो आपको ब्लैक कलर में दिख रही हैं विंड्स वापस आती हुई, इन्हें कहा गया नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही हैं। तो इसी चीज़ को मानसून विंड्स का नाम दिया गया है, और हमारे क्लाइमेट को नाम दिया गया ट्रॉपिकल मानसून टाइप। अब इसका क्या मतलब होता है इसको सेपरेटली भी देखेंगे, ट्रॉपिकल मानसून का मतलब क्या है। थोड़ा सा एक बार इंडियन मैप देख लेते हैं दोबारा। देखिए, ये हमारा इक्वेटर यहाँ है नीचे, श्रीलंका के नीचे, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री पर है, इंडिया को इस पार्ट पे कट करता है इस तरीके से। इंडिया जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग लगभग 2 हाफ्स में इंडिया को कट कर देता है, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, अब देखिए, क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डायरेक्शन ऑफ विंड्स। टेम्परेचर आप जानते हैं तापमान, रेनफॉल का मतलब बारिश, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके अभी समझने आ जाएगी थोड़ी देर में। डायरेक्शन ऑफ विंड्स आपने अभी ऊपर देखा साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से किस तरीके से डायरेक्शन
ट्रैवल कर रही थी मेंस। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पॉइंट अभी आपको समझाया जाएगा। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे इंडिया का जो क्लाइमेट है डिपेंड करता है। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, डिवाइडिंग कंट्री इंटू टू हाफ पार्ट्स। फर्स्ट इज नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन, यानी कि नॉर्थ टेम्परेट जोन ये कहलाता है और ये साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है द ग्रेट हिमालयन रेंज सेपरेटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया और इंडिया के जितने भी एरियाज हैं उनको रेस्ट ऑफ एशिया से वो सेपरेट करता है, क्योंकि हमारे जो हिमालय है लगभग इस जगह पर हिमालयाज हैं। तो जब हिमालयाज यहाँ पर हैं तो इन हिमालयाज के थ्रू इंडिया का सब कॉन्टिनेंट ये पूरा पार्ट और बाकी पूरा एशिया जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि जो भी कोल्ड विंड्स आ रही थी सेंट्रल एशिया से, यानी कि इंडिया के ऊपर से इस तरफ से जो भी कोल्ड विंड्स आती वो हिमालय सामने खड़ा होता है, तो इस वजह से ये विंड्स यहाँ पर एंटर नहीं कर पाती हैं। देखिए, इंडिया नॉर्थ टू साउथ 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इंडिया यहाँ से लगभग 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री तक जाता है, जिसमें 3200 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर आ जाता है। यू कैन ऑब्जर्व यूनिक क्लाइमेटिक कंट्रास्ट, आप इंडिया में क्लाइमेटिक कंट्रास्ट देख सकते हैं, क्लाइमेटिक कंट्रास्ट यानी कि डिफरेंसेस देख सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रॉपिकल मानसून टाइप इन लेमन लैंग्वेज, यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे ट्रॉपिकल मानसून टाइप कहा गया है। इसको क्यों कहा गया है अब ये पढ़ लेते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो कि इक्वेटर के पास है और ट्रॉपिक्स के बीच में। आपको बताया गया था इस तरीके से अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो इस जगह पर इंडिया आता है, तो ट्रॉपिक्स के बीच में होने की वजह से उस जगह को ट्रॉपिकल कहते हैं। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड फाउंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन इज नोन एज ट्रॉपिक्स। द टर्म सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है, सब ट्रॉपिकल डिस्क्राइब द क्लाइमेटिक रीजन फाउंड एडजस्टेंट टू द ट्रॉपिक्स, यूजुअली 20 to 40 degrees ऑफ लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी कि जो भी ट्रॉपिक्स के साथ साथ, ये तो ट्रॉपिक का पार्ट हो गया, सब ट्रॉपिकल क्या कहते हैं, जो कि 20 से 40 डिग्री के बीच में जो आते हैं एरियाज, उन्हें हम सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्या मतलब हो गया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है कि जहाँ पर हर तरीके का सीजन पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर रेनफॉल भी है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, कम भी हो जाता है, बारिश भी होती है अच्छी, स्नोफॉल्स भी काफ़ी हो सकती हैं, इस तरीके के सीज़न जो है उसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है। और ट्रॉपिकल मानसून का क्या मतलब है, ट्रॉपिकल मानसून एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रॉपिकल मानसून का क्या मतलब है कि एक अच्छी रेनफॉल होती है, टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री एवरेज रहता है, यानी कि हर तरीके का मौसम रहता है, रेनफॉल भी अच्छी रहती है और टेम्परेचर हॉट भी रहता है, इस तरीके का जो क्लाइमेट है उसे ट्रॉपिकल मानसून कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझिए कि आप इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल, यहाँ पर गर्मी क्यों है मेनली, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास होने की वजह से जो सन की रेज होती हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली पड़ती हैं। अब जब सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पर सबसे ज़्यादा डायरेक्ट किस पे पड़ती है, इक्वेटर पे, और इक्वेटर के पास है इंडिया, तो यानी कि वहाँ पर जो है गर्मी तो ज़्यादा होगी ही होगी। देखिए, वेरिएशन इन कंट्रास्ट इन क्लाइमेट, यानी कि इंडिया में क्या क्या कंट्रास्ट है क्लाइमेट में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक का जो आपने पढ़ा था वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक, और उसका किस तरीके से उसको वहाँ के क्लाइमेट को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें थी। अब उसमें आप डीप जाएंगे थोड़ा, तो फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर कंडीशन ड्यूरिंग समर्स, समर्स में क्या कंडीशन रहती हैं। प्लेस टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज हॉट ड्यूरिंग समर एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, यानी हम किस जगह की बात कर रहे हैं, यह हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और हम बात कर रहे हैं नॉर्थ की, यानी कि ये पार्ट की, ये पार्ट हमारा कैसा रहता है इंडिया का, यानी कि गर्मी में गर्म रहता है और ठंडों में ठंडा रहता है। पर इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो राजस्थान यहाँ पर है और द्रास कारगिल लगभग यहाँ पर है। इसी के साथ साथ देखिए,
आपको एक एग्जांपल दिया गया, यानी कि गर्मियों में राजस्थान में लगभग लगभग 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। साथ ही साथ अगर आप ठंडों की बात करें तो द्रास जो कि कारगिल में है वहाँ पर -40 डिग्री तक चला जाता है। तो कितना ज़्यादा वेरिएशन है। नॉर्थ में जो टेम्परेचर वैसे 50 डिग्री हो रहा है और ठंडों में वहीं पर ही द्रास दूसरी जगह जो कि नॉर्थ में वहाँ पर -40 डिग्री तक चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। प्लेस टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिकल कैंसर एक्सपीरियंस बींग नियर टू द इक्वेटर रिमेन्स हॉट विद एवरेज टेम्परेचर 25 टू 27 डिग्री थ्रू आउट द ईयर। यानी कि ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, इसमें 25 से 27 डिग्री तक ऑलमोस्ट टेम्परेचर रहता है और पूरे साल लगभग लगभग गर्मी गर्मी ही रहती है। यहाँ पर ठंड पूरे साल लगभग लगभग महसूस नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास है तो सन की रेज ज़्यादा इस पर डायरेक्टली पड़ेंगी कंपेयर टू नॉर्थ पार्ट। कंपेयर टू नॉर्थ पार्ट ये ज़्यादा गर्म रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पर गर्मी ही पड़ती है ज़्यादातर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ईस्ट वेस्ट कोस्ट लाइन इक्वेबल और मैरिटाइम और ओशनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज नीदर टू हॉट और टू कोल्ड ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। अब देखिए कोस्ट लाइन्स क्या होती हैं। कोस्ट लाइन्स होते हैं ये एरियाज, इन्हें कहते हैं कोस्ट लाइन्स। यानी कि जो आपके सी ओशन के पास में जो जगह है उसे कोस्ट लाइन कहते हैं, तट तटीला इलाका। यहाँ पर कैसा रहता है? यहाँ पर मॉडरेट रहता है और ओशनिक टाइप। ओके, ये इसका मतलब क्या हुआ? ना ही ज़्यादा ठंडा, ना ही ज़्यादा गर्म, ना ही बहुत ज़्यादा हॉट और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड। इससे क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब गर्मी पड़ती है तो जो हवाएं समुद्र से आगे जाती हैं वो ठंडी हवाएं होती हैं, तो यहाँ की गर्मी को कम कर देती हैं। ठीक है, इस वजह से गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। ठंडों में क्या रहता है? ठंडों में ये ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। ठंडों में ज़्यादा ठंडा क्यों नहीं रहता है? ये क्योंकि वहाँ पर भी लैंड एंड सी ब्रीज इफेक्ट पड़ता है। लैंड एंड सी ब्रीज की वजह से, इफेक्ट पड़ने की वजह से ये कोस्ट लाइंस जो होती हैं वो हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर में ही रहती हैं। देखिए ठंडों में क्या होता है कि जो हमारा लैंड होता है वो कंपैरेटिवली ओशन से ज़्यादा ठंडा होता है, यानी कि टेम्परेचर इसका ब्लो होता है, और ये जो होता है वो वार्म होता है ओशन। तो इस वजह से जो यहाँ पर ठंडी ज़मीन पर जब ओशन की गर्म हवाएं थोड़ी जाती हैं, फिर से ये जो कोस्ट लाइन्स होती हैं वो वार्म हो जाती हैं। इस वजह से ना ही यहाँ पर ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर रहता है, ना ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेनफॉल। रेनफॉल देखिए मौसन रैम यानी कि जो कि चेरापूंजी से 16 किलोमीटर वेस्ट में है, वहाँ पर 1187 सेंटीमीटर की बारिश पड़ती है, और थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में, वहाँ पर 25 सेंटीमीटर की पड़ती है। तो रेनफॉल में भी आप वेरिएशन देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। इंडिया का जो एरेटिक यानी कि नॉट रेगुलर, इसका मीनिंग होता है मॉनसून है, उसकी वजह से नॉट एरेटिक यानी कि कहीं पर भी अलग अलग तरीके का मॉनसून रहता है। इस वजह से कहीं पर बारिश पड़ रही होती है और कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो जहाँ पर बारिश पड़ रही होती है वहाँ पर कई पार्ट में आप एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पर फ्लड तक आ जाते हैं, और वो उसी टाइम में कहीं कहीं जगह पर ड्रॉट यानी कि सूखा भी पड़ा हुआ होता है। तो इंडिया में कुछ इस तरीके का मानसून रहता है कि कहीं पर बारिश पड़ रही है और कहीं पर बिल्कुल नहीं पड़ रही है, तो फ्लड आ जाते हैं और सूखा भी पड़ जाता है, ड्रॉट कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। वेस्टर्न कोस्ट लाइन गेट्स हैवीस्ट रेनफॉल इन समर ड्यू टू साउथ ईस्ट मानसून। ईस्टर्न कोस्ट लाइन गेट्स हैवीस्ट, ये जो आपका पॉइंट है ये आपका अभी कमिंग एक टॉपिक है, इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा, उसमें आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। हिमालय रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, वेल इन अदर पार्ट इवन दी हाई एल्टीट्यूड नेवर एक्सपीरियंस स्नोफॉल बियरिंग नियरर टू द इक्वेटर। देखिए क्या होता है कि जब हमारा हिमालय है, वो हिमालय हमारा है नॉर्थ में, ठीक है, और वहाँ पर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और हमारे इक्वेटर से काफ़ी दूर है। इस वजह से यहाँ पर जब भी बारिश की जाती है तो बारिश स्नोफॉल के रूप ले लेती है और यहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो जाती है। बट लगभग लगभग एल्टीट्यूड यानी कि जो कि हाइट ज़्यादातर होती है किसी भी जगह की, तो वहाँ पर आपको पता है मौसम थोड़ा ठंडा होता है, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस वजह से हिमालय की तरफ तो खूब आपकी स्नोफॉल पड़ रही है, लेकिन सेम ऐसे ही अगर काफ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी माउंटेन साउथ में है वहाँ पर स्नोफॉल नहीं होती। वो फिर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो इक्वेटर के बहुत करीब है, इक्वेटर पे करीब होने की वजह से वहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर में हमारा आ गया फर्स्ट इज लोकेशन। आपको बताया था कि इंडिया को जो डिवाइड है वो लगभग लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू डिवाइड हो चुका है, तो हमारा ये हमारा हो गया टेम्परेट जोन, और या फिर इसे ट्रॉपिकल साउथ कहते हैं और इसे सब ट्रॉपिकल नॉर्थ भी कहते हैं। तो ये जो पार्ट है वो डिवाइडेड है। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में क्या होता है, हाई माउंटेन्स हैं और वहाँ पर एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और साउथ पार्ट, साउथ पेनिनसुला जो एरिया है वो कैसा है, एनक्लोज ऑन थ्री साइड्स बाय द अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। देखिए जो हमारी साउथ साइड है वो कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर हमारा अरेबियन सी है, यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो हर तरफ से ओशन के होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो एक मॉडरेट टाइप का रहता है। इसके अलावा आप पॉइंट देख सकते हैं कि अगर आप कभी नॉर्थ एंड साउथ में अगर कंपेयर करें तो साउथ में हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं आपका टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होने लगता है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है। इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालय, हमने अभी पॉइंट पढ़ा भी था कि बिटर कोल्ड विंड्स जो हिमालय के पीछे से आती हैं उसको रोकता है, उसको रोकने से इंडिया में काफ़ी जो सर्वे से ठंडी हवाएं आने वाली थी वो रुक जाती हैं, तो इंडिया में इतनी ठंड नहीं होती है। ये पॉइंट भी आपका आने वाले एक टॉपिक में एक्सप्लेन है पूरी तरीके से। एल्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। एल्टीट्यूड के बारे में आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होने लगता है, ठीक है। तो उसका लगभग लगभग क्या एक स्केल बनाया गया है कि जब आप 1 डिग्री अगर आप चलोगे, सॉरी जब आप 166 मीटर ऊपर चलोगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, यानी 166 मीटर आप ऊपर चलते रहोगे तो 1-1 डिग्री करके टेम्परेचर ड्रॉप होता चला जाएगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर कोई सी भी जगह सी के पास में है, ये हमारा साउथ इंडिया हो गया मान लीजिए, और तो ये हमारा ओशन हो गया, हमारा अरेबियन सी हो गया सॉरी, तो अरेबियन सी के बारे में, तो यहाँ पर तो मॉडरेट रहेगा, यहाँ पर मॉडरेट रहेगा। लेकिन इसी के अलावा अगर जो बीच का जो एरिया होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पर तो वो लैंड एंड ब्रीज इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, बट जो मिडिल का एरिया होता है, मिडिल के एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये पॉइंट भी अगेन आपका नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन्ड है। अभी तक आपके 3-4 पॉइंट ऐसे हो चुके हैं जो नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन है। ड्यूरिंग समर द होल ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन। कॉजिंग ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होता है ये भी आपके नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल आप आजकल देख भी रहे हैं, अम्फान साइक्लोन जो कि आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आ रहा है वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से ही है। दी अपर एयर करंट और जेट स्ट्रीम्स, ये जो पॉइंट है ये अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है। कहा जाता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो हवाएं चलती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं मानसून में, बट इसके ऊपर अभी भी रिसर्च गोइंग है, और इस वजह से आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही पॉइंट दिया हुआ है, आगे एक्सप्लेन्ड नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं अब जो हमारा मेन पार्ट है मानसून चैप्टर का, जो क्या क्लाइमेट ऑफ इंडिया का जो मेन पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आप ढंग से देखिए कि 4 सीजन्स हमारे क्या क्या हैं और उसमें किस किस तरीके से चेंजेस आते हैं। देखिए हमारे जो 4 सीजन्स हैं उसमें फर्स्ट सीजन है हमारा हॉट ड्राई सीजन, जो कि मार्च टू मई चलता है। मार्च टू मई जो हमारा सीजन चलता है उसमें कुछ विंड्स हैं, उसमें काली बैसाखी, लू आपने नाम सुना होगा, गर्म हवा जो चलती है, लू, मैंगो शावर, इस तरीके की विंड्स चलती हैं। ड्राई वेदर रहता है और हीट बहुत ज़्यादा होती है। सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन डायरेक्टली जो है हमारा शाइन करता है, इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। होल ऑफ ट्रॉपिकल इंडिया साउथ ऑफ हिमालयाज एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर लो इन कोस्टल रीजन्स, यानी कि जो भी हमारा एरिया है हिमालय के नीचे वाला, ये हमारा हिमालय है, हिमालय के नीचे वाला यानी कि नॉर्थ इंडिया वाला इलाका, यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, और लो इन कोस्ट लाइन कोस्टल रीजन्स यानी कि जो हमारा कोस्टल रीजन जो हमारे सी के पास में है वहाँ पर हमारा लो टेम्परेचर रहता है कंपैरेटिवली। थंडर स्टॉर्म्स अकम्पैनीड बाई डस्ट इवेंट्स, यानी कि थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं,
और डस्टी विंड्स चलती हैं, कुछ कुछ स्पेल्स ऑफ शावर्स, यानी कि जिसे हम झावट भी कहते हैं हिंदी में, झावट पड़ना, थोड़ी सी बारिश पड़ना, उसे हम शावर्स, स्पेल ऑफ शावर्स हैं, शावर्स कहते हैं। वो एक टी क्रॉप के लिए आसाम में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, वेस्ट बंगाल में अच्छे माने जाते हैं राइस के लिए, एंड टी इन कॉफ़ी इन साउथ में अच्छे माने जाते हैं, वो जो ब्रीफ स्पेल ऑफ शावर्स पड़ते हैं। ये तो आपका एक नॉर्मल था। आपका सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है साउथ वेस्ट मानसून, ये आ गया है। इसे हम द रेनी सीज़न और द सीज़न ऑफ साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, और ये हमारे स्टार्ट होता है जून टू सितंबर। ये हमारा यानी इस साल भी स्टार्ट होने वाला है, आज 25 मई है तो ये स्टार्ट होने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जितनी भी डेट्स दी हुई होती हैं जून टू सितंबर, मार्च टू मई, ये कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर दी हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि जून होगा तभी स्टार्ट होगा, कुछ पहले कुछ बाद में, ऐसा सब कुछ चलता है, क्योंकि ये डेटा काफ़ी साल के रिसर्च के ऊपर उनका एवरेज निकाल के आपको दिया जाता है। तो ये नॉर्मली जून टू सितंबर हम कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, पहले आप लो प्रेशर और हाई प्रेशर समझिए। लो प्रेशर और हाई प्रेशर रीजन्स क्या होते हैं, और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश किस तरीके से पड़ती है, ये आप देखिए। तो मान लीजिए, ये एक एग्जांपल हमने आपको दिया, ये लैंड एरिया है और सन है, यानी कि गर्मी हो रही है इस टाइम, और ये हमारा सी एरिया है। तो क्या होता है, कोई सी भी जो चीज़ होती है, कोई सा भी वो जो ट्रेवल करती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करती है। हमारी जो एयर होती है, हमारी हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा ट्रेवल करती है। तो मान लीजिए कि ये हमारा समुद्र, जो भी हमारा ओशन है, सी है, पानी जो है ज़्यादा ठंडा रहता है कंपेयर टू लैंड, ये आप सबको पता है। तो जितनी भी हवाएं यहाँ पर होती हैं इस एरिया में, वो क्या करती हैं, वो ट्रैवल करती हैं। वो ट्रैवल किस तरफ करती हैं, लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर बड़ा है, टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, और टेम्परेचर जहाँ पर कम है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी इस तरफ वो ट्रैवल करेंगी, जब वो इस तरफ ट्रैवल करती हैं तो ट्रैवल करते करते वो कुछ कुछ जो मॉइस्चर है वो पिकअप करती हुई चलती हैं, मॉइस्चर पिकअप करती हुई चलती हैं जब ये ट्रैवल करती हैं, और ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर पहुँचती हैं। जब यहाँ पर पहुँचती हैं तो ड्यू टू लो प्रेशर, गर्मी की वजह से हवाएं जो हैं वो ऊपर उठती हैं आसमान की तरफ। ऊपर उठने के बाद यहाँ पर ये क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं, क्लाउड बन जाते हैं, और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी कि बारिश हो जाती है। बारिश होने के बाद वापस ये हवाएं वापस चली जाती हैं। तो ये एक पूरी साइकिल है जो बार बार चलती रहती है, बार बार चलती रहती है। इस चीज़ को हम लो प्रेशर और हाई प्रेशर को हम समझने के लिए यूज़ करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये समझिए कि अभी तो ये गर्मी का टाइम है तो इस तरीके से हो रहा है, अब अगर ठंड पड़ेगी तो किस तरीके से होगा उसको देख लेते हैं। देखिए, अभी आपको बताया था गर्मी पड़ रही है, यानी कि ये समर का टाइम है। हवा इस तरीके से आई, यहाँ से वो कुछ कुछ मॉइस्चर लेकर गई, लैंड पर पहुंची। लैंड पर पहुंचने के बाद यहाँ पर लो प्रेशर था तो हवा ऊपर उड़ गई, क्लाउड फॉर्मेशन हुए, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो गया, और ये वो हवा वापस चली गई। अब जब ठंडा है, ठंडा जब विंटर्स की बात कर रहे हैं या फिर रात की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, इस चीज़ को सी ब्रीज भी कहते हैं, सॉरी सी ब्रीज कहते हैं, क्योंकि ये जो हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं ओशन की तरफ से, सी की तरफ से नहीं, इसलिए सी ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज देख लेते हैं, जब ठंड है सम विंटर्स का मान लीजिए या फिर आप नाइट टाइम का मान लीजिए, तो लैंड ब्रीज चलती है किस तरीके से। अब जब रात में जब ठंडा होता है तो हमारा लैंड जो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, लैंड ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और हमारा जो ओशन होता है वो कंपैरेटिवली वार्मर रहता है। तो हमारा जब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जितनी विंड्स होती हैं वो लैंड से सी की तरफ चलती हैं, और सी की तरफ चलते चलते कुछ कुछ मॉइस्चर पिकअप करती हुई चलती हैं, ठीक है, पिकअप करने के लिए चली, फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँचने बाद वो ऊपर फिर से बना लेती हैं बादल, क्लाउड्स बना लेती हैं, और फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी कि बारिश पड़ जाती है, और फिर से हवाएं वापस लौट जाती हैं। इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरे मानसून डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए,
मॉनसून क्या है? बेसिकली लैंड एंड सी ब्रीज है ऑन लार्ज स्केल. ऐसा क्यों करा गया, कहा गया है? क्या होता है, द सन शाइन्स ओवर हेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम मार्च टू मे. मार्च टू मे जो सन होता है हमारा, बिल्कुल हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है. दो लो प्रेशर एरिया अट्रैक्ट दी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स ब्लोइंग इन सदर्न हेमिस्फेयर. दीज विंड्स पिकअप मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी एंड एंटर्स इंडिया एज साउथ वेस्ट मानसून. यानी कि देखिए, ये हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया ये है, तो ये हमारा लबा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ. जब मार्च टू में सन जब हमारा डायरेक्टली इंडिया के ऊपर रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा लगभग ये है ऊपर रहता है, तो ये जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है सन की रेस की वजह से. यहाँ का टेम्परेचर जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ठीक है, टेम्परेचर हाई का मतलब आपको क्या बताया था? टेम्परेचर हाई का मतलब आपको बताया था लो प्रेशर क्रिएट होना. लो प्रेशर क्या करता है भाई? लो प्रेशर जहाँ पर भी होगा वो विंड्स को अट्रैक्ट करेगा. तो जितनी भी विंड्स आपकी सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाले इलाके में चल रही होती हैं वो इधर अट्रैक्ट होने लगती हैं. ठीक है, जब वो इधर अट्रैक्ट होने लगती हैं तो वो इंडिया के अंदर एंटर करती हैं. अब वो एंटर किस तरीके से करती हैं ये आप देखें. यहाँ से वो विंड्स चलती हैं इस तरीके से, ये आपको जो एरोज दिख रहे हैं ये आपके साउथ वेस्ट विंड्स कहते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट से आ रही है इसलिए साउथ वेस्ट विंड्स कहते हैं. और इस पूरे मानसून को साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है. और वो मानसून फैलता कैसे, जितने भी आपको लाइंस दिख रही हैं देखिए, इसका मतलब है साउथ वेस्ट मानसून. ये डैश डैश करके जो है रेड में, इन्हें ऑनसेट यानी कि मानसून का आना, और ये वाली जो है इनको कहते हैं विड्रॉल डेट यानी कि वापस जाना विंड्स का, किस तरीके से हो रहा है ये आप देख लीजिए. इस तरीके से एंटर होती हैं, इस तरीके से एंटर होती हैं, पूरे इंडिया में एंटर कर जाती हैं. अब आपको बता देते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर जो इंडिया है हमारा, यहाँ पर हमारे जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं यानी कि कुछ एलिवेटेड लैंड्स हैं. तो जब भी हमारी जो हवा आती है इस तरीके से जाती है, ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ से, तो वेस्टर्न घाट से, सॉरी, वेस्टर्न घाट से रुक जाती है. तो वेस्टर्न घाट्स की जो ये वाला एरिया है यहाँ पर तो रुकने की वजह से यहीं पर ही प्रेसिपिटेशन रेन हो जाती है और वो इसको पार नहीं कर पाती हैं. अब वो पार नहीं कर पाती हैं तो किस तरीके से जाएं, पार नहीं कर पाती हैं तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती हैं और कुछ ऊपर से आगे बढ़ती हैं. ठीक, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ पर बारिश बड़ी कम रहती है. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की वजह से यहाँ पर हमारी आने वाली जो हवाएं जो कि मॉइस्चर को लेकर आ रही थी वो रुक जाती हैं. ठीक, अब जब यहाँ पर आती हैं तो जब हमारी जो विंड्स हैं यहाँ से घूमकर आती हैं तो राजस्थान की तरफ भी एंटर करती हैं. राजस्थान में प्रेसिपिटेशन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो प्रेसिपिटेशन करने वाली थी वहाँ पर आपकी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उन विंड्स की पावर बढ़ जाती है मॉइस्चर को होल्ड करने की. जब मॉइस्चर को होल्ड करने की पावर बढ़ जाती है तो फिर वो और आगे बढ़ जाती हैं बिना प्रेसिपिटेट करे. अब बिना प्रेसिपिटेट करे आगे बढ़ जाती हैं. तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपकी माउंटेन्स वाला एरिया हो गया, यहाँ पर वो टकराती हैं और यहाँ पर वो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं. ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए. हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन है, सन की वजह से ये जो एरिया है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो सबसे पहले वो इन वाली विंड्स को अट्रैक्ट करता है. यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स हो गए, बिल्कुल यहाँ पर हो गए. तो यहाँ पर तो वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड यानी इस साइड में तो अच्छी रेन हो जाती है, इस साइड हमारी ज़्यादा अच्छी रेन नहीं होती है. कुछ विंड्स ऐसे निकल जाती हैं, कुछ विंड्स ऐसे चली जाती हैं, इस तरीके से पूरे इंडिया में फैलती हैं. इसको थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है. साउथ वेस्ट मानसून
ब्लोज फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड एडवांस, एडवांस यानी कि अराइवल, इट कैन बी बिटवीन 1st टू 5th जून, 1st टू 5th जून में ये वाली विंड्स जो है वो आती हैं। ठीक, देखिए इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक है अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच में क्या दे रखा है, अरेबियन सी की तरफ से, यानी कि अरेबियन सी, ये हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा इंडियन ओशन है। ठीक है, तो अरेबियन सी की तरफ से जो विंड्स आती हैं उसके बारे में बात करना है। क्या है वो, हमारी स्ट्राइक करती हैं केरला को 1st जून को, और वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है ऑन विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्ट वेस्टर्न घाट्स एंड अनेबल टू क्रॉस दैम। ये आपको अभी पॉइंट बताया गया था। रेनफॉल ड्यूरेशन डिक्रीजेज एज मूव फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, यानी कि साउथ टू, सॉरी साउथ टू नॉर्थ जैसे जैसे हो जाती जाएगी वैसे वैसे रेनफॉल हमारी कम होती जाती है। इसके अलावा विंड रिटेन्स मॉइस्चर पासिंग थ्रू राजस्थान एंड रीच शिवालिक विदाउट शेडिंग मॉइस्चर, ये भी पॉइंट आपको बताया गया है अभी अभी। कवर्स होल इंडिया वेयर एज ओनली अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंटर्स इंडिया, यानी कि अरेबियन सी हमारा होल ऑफ इंडिया को कवर करता है, और बैंक ऑफ सॉरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो एक इंडिया का कम पार्ट ही जो है वो एक्वायर कर पाती है, क्योंकि इसका जो मेन टारगेट होता है वो हमारा म्यांमार और थाईलैंड रहता है। ठीक है, एग्जॉस्टेड रीचिंग पंजाब, पंजाब पे पहुँचते पहुँचते इनमें मॉइस्चर जो होता है वो काफ़ी कम रह जाता है। शेड्स मॉइस्चर आफ्टर बे ऑफ बंगाल ब्रांच इन फुटल्स ऑफ हिमालय, ये वाला पॉइंट आपको अभी बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में हम डिस्कस करेंगे तब आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये वेस्टर्न घाट्स आपको बताए गए थे, ये रहे, ये मैप आपका याद करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो वेस्टर्न घाट्स हैं, कोरामंडल कोस्ट, ईस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर, अरावली रेंज, ये मालवा प्लेटू, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है फर्स्ट पार्ट में ज्योग्राफी पेपर के, उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, काराकोरम पास, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच में क्या रहता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच में क्या रहता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड एंड श्रीलंका आर फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल, यानी कि थोड़ा सा इसको छोटा करके देख लेते हैं, ये आपका इंडिया है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, यहीं पर ये आपके अंडमान निकोबार है, और ये आपका श्रीलंका है, ये आपका लगभग अंडमान निकोबार यहाँ पर है और श्रीलंका आपका यहाँ पर है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई बे ऑफ बंगाल ब्रांच की तरफ से, यानी कि यहाँ से जो हवाएं जो चलती हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, श्रीलंका हिट करता है और हमारा अंडमान निकोबार हिट करता है। एडवांस नॉर्थ ईस्टवर्ड्स पिकिंग मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। अब ये वाली विंड्स किस तरीके से चलती हैं, ये इस तरीके से चलती हैं, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ से चलती हैं और ईस्ट की तरफ जाती हैं। ठीक, ईस्ट की तरफ जाती हैं, मेन टारगेट इसका म्यांमार है। मौसम रम 1187 सेंटीमीटर रेन ड्यू टू फनल माउंटेन रीजन्स, यानी कि यहाँ पर ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में यहाँ पर चेरापूंजी के आसपास मौसम रम है। ये इलाका कैसा है कि हर तरफ जो है वो माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स होने की वजह से वहाँ पर उन माउंटेन्स के बीच में वो हवा जो है वो अटक जाती हैं, और वहीं पर उन्हें शेड करना पड़ जाता है अपना मौसम, इस वजह से यहाँ पर मौसम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे भारत में। रिमेनिंग डाइवर्टेड टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द हिमालयाज विद डिक्रीजिंग रेनफॉल कैपेसिटी, बाकी जितनी भी होती हैं वो अपना, देखिए मैप के थ्रू आपको बता देते हैं, इस वाले मैप के थ्रू, जब वो यहाँ से गई, या उनका मेन टारगेट है म्यांमार बे ऑफ बंगाल ब्रांच का, और इस तरीके से इंडिया में एंटर होती हैं, जब यहाँ से एंटर होती हैं तो यहाँ पर फनल के बेसिस में माउंटेन्स जो हैं वो एक फनल की तरीके से बनी हुई हैं, कि जहाँ पर वो अटक जाती हैं विंड्स, और यहाँ पर उन्हें शेड करना पड़ जाता है, शेड करना पड़ जाता है, इसलिए मौसम नाम कुछ इसी जगह पर है अराउंड, तो वहाँ पर बारिश जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ से वो विंड्स घूमती हुई वेस्ट ऑफ हिमालयस, वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ ट्रेवल करती हैं, और ये जो एरिया है ऑन द फुटल्स ऑफ हिमालय, इस पूरे रीजन्स तक पहुँचती हैं, और यहाँ से अरेबियन सी की भी पहुँच रही थी, अरेबियन सी की भी पहुँच रही थी, तो यहाँ से आपकी पहुँच जाती हैं इस तरफ से
बे ऑफ बंगाल वाली, और यहाँ से पहुँच जाती हैं रीबेंसी की विंड्स। जब यहाँ से पहुँच जाती हैं तो दोनों मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे में, और यहाँ पर अपना काफ़ी सारा मॉइस्चर शेड कर देती हैं। देखिए, मिक्सेस विद द रीबेंसी ब्रांच इन टू इंडो गंगाटिक रीजन, इंडो गंगाटिक रीजन विद इंडो गंगाटिक रीजन। कौन सा रीजन हो गया कि जो हमारे हिमालयस के नीचे है वो रीजन इंडो गंगेटिक रीजन होता है, वहाँ पर अपना मॉइस्चर शेड कर देते हैं। और रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून से पहले आप एक बार ये देख लीजिए, अभी आपने ऊपर भी पढ़ा कि भाई मार्च के टाइम में सबसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन रहता है वो वैसा क्यों होता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे इक्वनॉक्स और सोलस्टिक्स होते हैं, इक्वनॉक्स एंड सोलस्टिक्स। इक्वनॉक्स उन्हें कहा जाता है जब सन हमारे सबसे ज़्यादा करीब होता है इक्वेटर के, उसे कहा जाता है इक्वनॉक्स। और सोलिस्टिक्स कहा जाता है जब सन हमारा सबसे ज़्यादा दूर होता है हमारे इक्वेटर के, उसे सोलिस्टिक्स कहा जाता है। तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग मतलब वापस जाना, अभी तक हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो था एंटर करा था इंडिया के अंदर, अब वो वापस भी तो जाएगा। वापस क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1 सितंबर के आसपास से मूवमेंट टूवर्ड्स साउथ, सन जो है हमारा साउथ की तरफ मूव करने लगता है। जब साउथ की तरफ मूव करने लगता है, यानी कि नीचे की तरफ मूव करने लगता है हमारा सन, तो जितनी भी गर्मी अभी तक हमारे देश में पड़ रही थी, नॉर्थन साइड में पड़ रही थी, वो कम होती रहती है। और जब वो कम होने लगती है तो वहाँ पर जो लो प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है। जब ये डिक्रीज़ होने लगता है, टेम्परेचर वहाँ पर कम हो गया और अब वो डिक्रीज़ करने लगा लो प्रेशर। जब कम होता गया, कम होता गया, तो क्या हुआ, जो हमारा लो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रह गया कि साउथ साउथ वेस्ट विंड को अट्रैक्ट कर पाए। अब अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो जितनी विंड्स हैं वहाँ पर आएंगी नहीं, और जितनी थी वो वापस जाएंगी। तो क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स यानी कि लगभग लगभग 22 सितंबर के आसपास दी हाई प्रेशर बिगन्स टू बिल्ड ऑन ओवर मेनलैंड एंड विद सब्सिक्वेंटली विद लो प्रेशर ओवर द सी दिस ऑटम बिगन। ठीक है, देखिए ये आपका इंडिया था, यहाँ पर बहुत गर्मी थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर था हमारा सन। अब यहाँ पर सन हमारा नीचे शिफ्ट होने लगा, जब नीचे शिफ्ट होने लगा तो यहाँ पर गर्मी जो थी वो कम होने लगी, तो यहाँ का जो लो प्रेशर है वो हमारा कम होने लगा। ठीक है, जब हमारा लो प्रेशर यहाँ पर हटता चला गया तो हमारा किस तरफ लो प्रेशर बन गया, हमारा लो प्रेशर बन गया ओशनिक साइड में, ओशनिक साइड में बन गया हमारा। क्यों, जब सन नीचे मूव करेगा तो अब हमारा ओशन पार्ट जो है उसका टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। अब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया तो यहाँ पर जितनी भी विंड्स थी वो अब वापस जाएंगी। इसी को हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि मानसून का साउथ वेस्ट मानसून को वापस जाना, वहाँ से हवाएं वापस जाना, उसको कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, यही आपको इन पॉइंट्स में बताया गया था। विड्रॉल जो है एक स्लोअर प्रोसेस है, ये स्टार्टिंग अक्टूबर में स्टार्ट होता है और नवंबर के एंड तक चलता है। विंड्स विड्रॉल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ वापस जाती हैं विंड्स। दिस विड्रॉल क्रिएट्स ट्रॉपिकल डिप्रेशन लो प्रेशर इन बे ऑफ बंगाल रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि लो प्रेशर ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बन जाते हैं। ट्रॉपिकल डिप्रेशंस मतलब कि जब हमारी विंड वापस जा रही होती हैं विड्रॉल की वजह से, हमारे जो बे ऑफ बंगाल एरिया है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जितनी विंड्स हैं वो इस तरफ मूव करती हैं, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। जब ये विंड्स वहाँ पर जाती हैं तो बे ऑफ बंगाल में पहुँचने के बाद वो एक साइक्लोन्स का रूप ले लेती हैं। साइक्लोन का रूप लेने की वजह से जब साइक्लोन्स जो होते हैं वो ईस्टर्न कोस्टल रीजन, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल रीजन इंडिया का कौन सा हो गया, ये वाला हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन हो गया, इसको हिट करती हैं। वो जो हमारे ट्रॉपिकल डिप्रेशंस यानी कि साइक्लोन्स बने हैं वो हमारे हिट करते हैं, और उसकी वजह से ईस्टर्न कोस्टल रीजन हमारे तमिलनाडु में और इस तरफ हमारे वेस्ट बंगाल की तरफ ये काफ़ी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है। रेन्स वहाँ पर आती है, साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, डेंस क्लाउड हो जाते हैं वहाँ पे, थंडरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा, सडन रेन्स आ जाती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ भी देखा जाता है। रिट्रीटिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून के बाद क्या होता है, बिल्कुल एक क्लियर क्लाउडलेस स्काई हो जाती है, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग अक्टूबर,
इस तरीके का रहता है, और उसको हाई जो हमारी अक्टूबर में ह्यूमिडिटी रहती है उसे अक्टूबर हीट भी नाम दिया गया है, वो लोग कहते भी हैं। अब हमारा फोर्थ सीज़न जो है वो है हमारा द कोल्ड सीज़न और द सीज़न ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि दिसंबर टू मार्च चलता है। दिसंबर टू मार्च में क्या होता है, देखिए जो हमारा सन है वो हमारा मूव कर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ, हमारा मूव कर जाता है। इंडिया रिसीव स्लांटिंग रेस रिजल्टिंग इन लो प्रेशर इन ओशनिक एरिया ड्यू टू डेक्कन प्लेटू विंड्स गेट आर फोर्स टू ब्लो वाया इंडोगैंगटिक प्लेन्स टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। एज दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ साउथ ईस्ट, हैंस दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसमें भी वही बात कही गई है जैसे ऊपर आपको कहा गया था कि आपका जो आपका लो प्रेशर होता है वो ओशन में क्रिएट होता है, वैसे ही लो प्रेशर ओशन में क्रिएट होने की वजह से जब दिसंबर टू मार्च के टाइम में लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर है, यानी कि इक्वेटर के पास हमारा इंडिया है और उससे नीचे हमारा सन है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, वहाँ पर हमारी डेज हैं, तो हमारे ओशन की तरफ जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो सारी विंड्स वापस जाती हैं। जब विंड्स वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे डेक्कन प्लेटू भी है, डेक्कन प्लेटू है, तो विंड्स जब वापस जा रही होती है तो वो फोर्स हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ से जाने की वजह से, क्योंकि डेक्कन प्लेटू है विंड सीधे सीधे नहीं जा पाती हैं, ऐसे घूम कर जाती हैं, उसको जाने की वजह से अब ये जो विंड जब वापस आती हैं तो कुछ इस तरीके से लगती हैं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, इसलिए इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा गया है। कौन सा कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि विंड्स हमारी लगती हैं जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ साउथ ईस्ट की तरफ जा रही थी, सॉरी साउथ वेस्ट की तरफ, यहाँ पर भी ये गलत हो गया, साउथ वेस्ट है ये, सॉरी, इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा गया है। अब एक चीज़ आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूँ, आपकी किताब में भी गिवन है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारा जो है और रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं है, कई बार इनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है और कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनके बीच में डिफरेंस लिखना, तो लगभग लगभग जो फिनोमिना है वो सेम ही है, बस डिफरेंसेस क्या है, टाइम पीरियड का डिफरेंसेस आप कह सकते हैं। एक में कहा गया है कि साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स वापस आ रही हैं और दूसरे में कहा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट से विंड आ रही है, लगभग लगभग विंड्स का डायरेक्शन वही रहता है रिट्रीटिंग साउथ ईस्ट मानसून में भी और आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून में भी। तो देखिए इसकी बाकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बाकी करेक्टरिस्टिक्स में इसका नवंबर टू नवंबर एंड से मार्च तक ये चलता है, क्लियर प्लेजेंट इस वेदर रहता है, लो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी स्लो विंड्स रहती हैं, नदन पार्ट डिग्री लगभग लगभग 21 डिग्री के आसपास नदन पार्ट में रहता है, कोल्डर रहता है हमारा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख में, स्नोफॉल भी देखने के लिए मिलती है यहाँ पर। जनवरी जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट माना गया है। इसके अलावा नाइट टेम्परेचर तो कई कई जगह पे फ्रीजिंग हो जाता है, जैसे कि द्रास में -45 डिग्री, नदन पार्ट ऑफ हिमालयस में क्या गया देखा गया है, हैवी रेनफॉल होती है रिजल्टिंग इन कोल्ड वेव, ये कोल्ड वेव है, कोल्ड वेव इन नदन प्लेन्स। साउथ पार्ट में लगभग 21 डिग्री से ऊपर रहता है टेम्परेचर और कई बार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एक्सट्रीम साउथ के एरिया में। ड्यू टू लो प्रेशर हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल विंड्स ब्लो एंड स्ट्राइक कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु, यानी कि जब हमारी इस तरीके से कोरोमंडल कोस्ट लगभग लगभग इस जगह पर है तमिलनाडु में, तो जब वो इस तरीके से विंड्स जा रही होती हैं तो इस पार्ट को स्ट्राइक करती हुई जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल वगैरह होती है। लाइट रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्ली डिप्रेशन और टेम्परेट साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिटेरियन सी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऊपर एक पॉइंट आया था और आपसे कहा गया था आगे आपको एक्सपीरियंस जाएगा, तो ये बता देते हैं क्या है। देखिए ये हमारा मान लीजिए वर्ल्ड है और यहाँ पर हमारा इंडिया है कहीं पर, तो मेडिटेरेनियन सी लगभग लगभग इस एरिया में है, आपकी जो यूरोप साइड है उस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, तो जैसे कि हमारा बे ऑफ बंगाल में भी हमारे साइक्लोन्स ओरिजिनेट हो रहे थे और वो इस तरफ बढ़ रहे थे हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे बढ़ रहे थे, वैसे ही ये जो मेडिटेरेनियन सी में भी साइक्लोन्स डिप्रेशन की वजह से साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं और वो इस तरफ बढ़ते हैं। जब वो इस तरफ बढ़ते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज़ को पास करते हुए आते हैं, यहाँ पर इराक हो गया, पाकिस्तान हो गया और भी कुछ कंट्रीज़ को पास करते हुए वो
वो इंडिया में एंटर होते हैं, और इंडिया में एंटर होने के बाद इस एरिया में यानी कि इंडिया के नॉर्थ पार्ट में अपना मॉइस्चर भी शेड करते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल गुड फॉर वीट एंड बार्ले क्रॉप के लिए अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट विद रिट्रीटिंग मानसून, जो बात आपसे भी थोड़ी देर पहले कही गई थी। तो ये था आपका मानसून के बारे में, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। ये चैप्टर एक बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है और बड़ा पेचीदा चैप्टर है, इसको पढ़ना समझना इतना इजी भी नहीं है, तो बार बार आपको अपनी किताब पर जाना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर है। इसको अगर आप एक बार ढंग से समझ लेंगे तो आप पूरे चैप्टर को इजीली कर सकते हैं। अगर आपको एक बार और समझाना चाहूँ तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका लैंड है और ये आपका सी है, ये आपका सी है, ये आपका लैंड है। यहाँ पर हम कुछ पेड़ वगैरह बना देते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये आपका समर्स का टाइम है, यानी कि जब समर्स का टाइम है तो हमारा जो लैंड होगा वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या बन जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर। ठीक, तो क्या होता है, जो हमारी विंड्स होती हैं वो हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी, वो कुछ इस तरीके से जाती हैं। जब वो इस तरीके से जाएंगी तो कुछ कुछ मॉइस्चर वो पिकअप करती हुई जाती हैं। जब मॉइस्चर पिकअप करके गई, अब वो यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँचने की वजह से लो प्रेशर है, लो प्रेशर होने की वजह से ये ऊपर उठती हैं हवाएं, और यहाँ पर क्लाउड बना लेती हैं। जब क्लाउड बना लिया तो इनका प्रेसिपिटेशन यानी जितना भी मॉइस्चर लेकर आई थी वो हमारा शेड हो जाता है यहाँ पर, और ये फिर से वापस चली जाती हैं। ठीक है, इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। ये गर्मी के टाइम में होती हैं, समर्स कह लीजिए आप। इसी के अलावा जो हमारा लैंड ब्रीज को एक बार देख लेते हैं, ये हमारा लैंड है, ये हमारा सी है। अब क्या होता है, जब हमारी विंटर्स का टाइम आ गया, विंटर्स के टाइम में क्या होता है भाई, हवाएं जो होती हैं, हमारा जो ये लैंड होता है वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हुआ, लो प्रेशर। अब विंड्स जो है मूव करेंगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि यहाँ से यहाँ की तरफ। जब ये यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगी तो फिर से ये मॉइस्चर को पिकअप करती हुई जाएंगी, यहाँ से मॉइस्चर को पिकअप करती हुई गई, पिकअप करने के बाद यहाँ पर पहुँची, फिर यहाँ पे फिर से ऊपर उड़ गई हवाएं। जब हवाएं ऊपर उठी तो फिर से इन्होंने यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन कर लिया, क्लाउड फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे ही इन्होंने प्रेसिपिटेट कर दिया, इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। ये टॉपिक अगर आप एक बार ढंग से समझ लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और आपको अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि इंडिया में किस जगह पर किस तरीके की रेनफॉल है और इंडिया किधर लाई करता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको याद रखना पड़ेगा, इक्वेटर यहाँ पर, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब इन चीज़ों को, अब इन टर्मिनोलॉजीज़ को आप क्लियर कर लेंगे अपने माइंड में, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देखने में और समझने में इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। फिलहाल जो भी आपके अगर क्वेरीज हों या कोई चीज़ समझने नहीं आई या फिर किसी चीज़ की आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं saxena.shivansh36@gmail.com पर। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।